असम मिजोरम झगड़े पर राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना, मारे गए लोगों के प्रति जताए दुख। महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश आफत बनकर टूटी, बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों मौतें। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, डॉक्टरों और नर्सों को दी जा रही ट्रेनिंग। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत की दूसरी जीत, स्पेन को 3-0 से दी पटखनी। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत, मानसून में दूसरी बार ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में स्थिरता आने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए इससे निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में जो जोखिम और जो खामियां नजर आई थी उन्हें दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि अभी केरल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 4 दिनों में हर रोज 40,000 से कम नए मामले मिल रहे हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधा कृष्णन ने कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी संक्रमण पर नजर रखने की योजना तैयार की गई है। तो तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। इसी के चलते लगातार तमाम राज्य हैं वो तैयारियां दुरुस्त कर रहे हैं। तमिलनाडु भी इसी कड़ी में आगे आ गया है, वो भी अब प्रशिक्षण दे रहा है डॉक्टरों को, ताकि तीसरी लहर में ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की चेन तोड़ने में और मददगार साबित हो, इसके लिए इसको लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश आफत बनकर टूटी है, राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यादि की SDMA के अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ का कारण बनी मूसलाधार बरसात ने पिछले करीब 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ के बाढ़ ग्रस्त इलाकों से अब तक 3,75,178 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। कुछ स्थानों पर 20 फुट तक पानी भर गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसूनी बारिश इस बार महाराष्ट्र के लिए, पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए खासतौर पर आफत बनकर टूटी है, कि जिस तरह से लगातार बारिश का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर स्थिति ये आ गई है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 20 फुट तक पानी भरा हुआ है, 192 लोग अपनी जान इस बारिश के चलते गंवा चुके हैं। वहीं कई लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बन गई है। पानी आप देख पा रहे हैं, घर डूब रहे हैं, पानी इस कदर ऊपर है, गाड़ियां तब इस पानी में डूबी हुई हैं, जिसको लेकर जो वहां पर निवासी हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, बारिश के चलते लगातार हम ये देख रहे हैं, तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि हालात जो है वो कितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और अभी भी अलर्ट जारी है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बीते करीब एक हफ्ते से महाराष्ट्र में जो काफी भारी मात्रा में जो बारिश हो रही है वो लगातार कहीं ना कहीं जनजीवन से लेकर और हर एक चीज अस्त व्यस्त हो गई है। काफी इलाके हैं जैसे कि रत्नागिरी है, कोल्हापुर है, सांगली और जैसे रायगढ़ जैसे इलाके, जहां अमूमन कई सालों से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि ये सब इलाके ऐसे हैं पुरानी मुंबई में जो लगातार बाढ़ से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं, और हर साल करीब 100-200 लोग के करीब लोगों की जानें चली जाती हैं और कई लोग अभी भी लापता होने की भी खबरें सामने आती रहती हैं। और आज भी अभी अगर ताज़ा आंकड़े की बात करें तो इस टाइम 190 लोगों के करीब मरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं करीब 100 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं। कोई अभी हाल ही में एक बच्चा था जो
महाराष्ट्र के एक इलाके में मेन होल में घुस गया और 4 साल का बच्चा मासूम बच्चा था और उसका कहीं कुछ अता पता नहीं चला। तो लगातार जिस तरीके की जो घटनाएं होती रहती हैं तो कहीं ना कहीं मुंबई में इस तरह का महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। जब बारिश का मौसम आता है, जब मानसून जब आता है, तो महाराष्ट्र में काफी भारी मात्रा में बारिश हो जाती है, जिस कारण हालांकि जो वहाँ महाराष्ट्र सरकार है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे इलाकों में ना जाएं जहाँ पर भारी मात्रा में बारिश हो रही है या फिर जहाँ पर काफी पानी भरा हुआ है। बिल्कुल शहबाज खान, ये स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है कि कितने भयावह स्थिति हो गई है। वहीं मानसून का भी अलर्ट जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीमें लगातार कार्य कर रही हैं, बचाव कार्य लगातार जारी है, जिसको लेकर ही ये अलर्ट जारी किया गया है। मानसूनी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों मौतें हुई हैं, वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं जिनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जो मिल जा रहे हैं। लेकिन आप स्थिति देख पा रहे हैं कि कितनी खराब है। हालांकि स्थिति हर बार मानसून के आते ही बन जाती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस स्थिति के लिए पहले से क्या किया जाता है और क्यों इस तरह के बचाव कार्य पहले से नहीं किए जाते हैं बाद में जब स्थिति खराब होती है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस बार की बारिश हर बार के अनुमान के अनुसार से ज्यादा हो रही है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 20 फुट तक पानी भरा हुआ है, जो और भी ज्यादा भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद अचानक फिर भड़क गया। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच फायरिंग में असम के 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी वाक युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप की मांग की है उनसे। इसके बाद शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थांगा से अलग अलग बात की है और उनसे विवादित सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और सहमतिपूर्ण समाधान तलाशने को कहा है। तो बवाल में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें आपको, असम और मिजोरम सीमा पर ये विवाद छिड़ा, जिसके बाद चलते बवाल में पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। 5 पुलिसकर्मियों ने इसमें अपनी जान गंवाई है इस विवाद में। वहीं इसपे साफ तौर पर हस्तक्षेप जो है वो अमित शाह का भी देखने को मिला है, जिसपे उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उनसे विवादित सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और सहमतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए कहा है। वहीं शहबाज खान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, ये देख पा रहे हैं स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है, पहले तो किस वजह से ये स्थिति लगातार तनावपूर्ण, हालांकि हम देखते हैं कि मिजोरम और असम के बीच रहती है, लेकिन इस वक्त स्थिति कुछ ज्यादा ही भयानक है जो तस्वीरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि असम और मिजोरम के बीच ये जो सीमा विवाद चला आ रहा है, ये कोई नया वाक्य नहीं है। जो दोनों के सैनिक या दोनों के पुलिसकर्मी कह लें, आमने सामने आ गए। इससे पहले भी कई बार जो है देखा जा रहा है, ये चीजें जो है वो ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश दौर से देखने को मिलती रहती हैं। और अभी हाल ही में जो अगर आप अब की बात करें, ये जो अभी ऐसे हालात तनावपूर्ण पैदा हो गए, वो अभी जून से ही दोनों उसमें लगातार जो है विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये हिंसक रूप इसने ले लिया और करीब असम के 6 जवान जो है इसमें शहीद हो गए। उसके बाद इसमें गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपना हस्तक्षेप दिया और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये अपील की है कि आपस में बैठ के मामले को सुलझा लें और ये विवाद, सीमा विवाद को इतना इतना बढ़ावा ना दें जो इसका इतना हिंसक रूप आगे फिर देखने को मिले। क्योंकि जिस तरह की जो घटना हो गई, इसमें 6 जवान अपने ही देश के शहीद हो जाना, कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी क्षति मानी जा रही है। बिल्कुल, और इसमें अमित शाह का भी हस्तक्षेप सामने आया है, क्योंकि हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है कि जब इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो उन्होंने समझाने की शहबाज कोशिश की है। जी जी बिल्कुल, बतौर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से बात करी और उनसे तत्काल रूप से ये उनको ये आदेश दिया कि जिस तरह के भी जो ये विवाद है, इससे मिजोरम के मुख्यमंत्री से बैठकर इस पे बात करें, इस पे विस्तृत चर्चा करें और आगे इस तरह की कोई घटना ना होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों राज्यों में अगर कुछ अप्रिय घटना होती है, तो इसका जो नुकसान है वो सीधे देश का है। इसलिए गृहमंत्री ने अपना हस्तक्षेप किया और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री को पर्सनली बात करके उन लोगों से और ये अपील की है कि
शांति बनाए रखे हैं। बिल्कुल शहबाज खान, सीमा विवाद तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो जुबानी जंग हम ट्विटर पर देख पा रहे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों की, वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो परेशानियां हैं वो मुख्यमंत्रियों के बीच में भी साफ तौर पर उजागर हो रही है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें दोनों तरफ से हैं। जी जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो असम और मिजोरम की ये जो सीमा विवाद की जो लड़ाई है, तो कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो तो, लेकिन सीमाओं का जो सीमांकन परिसीमन को लेकर जो मांग लगातार उठ रही है, जिसको लेकर ना तो असम अपने अपनी कोई राय मशवरा बना पा रहा है, ना ही मिजोरम अपनी राय मशवरा बना पा रहा है, जो परिसीमन को लेकर एक विवाद है, तो मुख्यमंत्री असम और मिजोरम में चाहे जो भी रहा हो, लेकिन दोनों में कभी बनी नहीं, हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई विवाद को लेकर दोनों राज्यों के जो पुलिसकर्मी वो सामने आ जाते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिली जाती हैं। वहीं इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी ने भी इस पर दुख जताया और उन्होंने साफ तौर पर जो ट्वीट किया है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति मोड़ भी ले रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल खड़े कर देता है, और हालांकि सवाल खड़े होने वाला एक प्रश्न चिन्ह तो सरकार पर खड़ी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से देश में बीजेपी की सरकार है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि अपने देश के पुलिसकर्मी जो है मार दिए जाएं और शहीद हो जाएं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका मिल जाता है लगातार घेरने का, क्योंकि विपक्ष भी एक मौके में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार विपक्ष जो है वो, चाहे वो बीते दिनों की बात कर लीजिए, पेगासस या कृषि कानून बिल को लेकर राहुल गांधी हमेशा हमलावर ट्विटर पे दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से उनको एक मौका मिल गया उनको घेरने के लिए, तो वो उस मौके को भुनाने की पुरजोर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्होंने एक बार फिर से की है। बिल्कुल शहबाज खान, और इस पर जो मुख्यमंत्रियों की जुबानी जंग है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है, कि लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा भी ट्वीट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 5 पुलिस वालों के असम के मारने के बाद मिजोरम के पुलिस वाले जश्न मना रहे हैं। इस तरह के ट्वीट करना एक मुख्यमंत्री के लिए भी काफी निंदनीय हो जाता है कि इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। अब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरह से लगातार अब जुबानी जंग शुरू हो गई है, 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को जो हस्तक्षेप है वो अमित शाह ने हस्तक्षेप किया, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है, और उन्होंने साफ तौर पर ट्विटर वॉर छेड़ दी है, जिस पर अमित शाह को बीच में आना अहम हो गया। वहीं सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच हिंसक झगड़ा हुआ। झगड़े की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमित शाह की नाकामी बताया है और कहा कि उनके कारण ही नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा जताई। बता दें कि झगड़ा सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम बॉर्डर के लायलापुर में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। तो असम मिजोरम के बीच हुई झड़प को लेकर राजनीतिक गलियारे भी हलचल में आ गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट कर हालांकि दुख तो जताया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब तलब करने को भी कहा है। उन्होंने साफ तौर पर जवाब मांगा है कि किस तरह से इस तरह की चीजें हो जाती हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने अपने तीसरे मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया। पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम छाई रही। इससे पहले मनु भास्कर, सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित युगल के दूसरे स्टेज में पहुंची, लेकिन दूसरे दौर में मनु भास्कर और सौरभ चौधरी वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देसवाल पहले दौरे पर में ही बाहर हो गए थे। वहीं मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए स्पेन पर आक्रामक बने रहे और फायदा पहले क्वार्टर में गोल से के तौर पर देखने को मिला।
सिमरनजीत ने भारतीय टीम के लिए मुकाबले में पहला गोल कर टीम को बहुत बढ़त दिलाई। पहले क्वार्टर के अंत में रुपिंदर ने शानदार गोल कर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। तो बीते दिनों महाराष्ट्र में बारिश के चलते तबाही के बाद अब मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड बिहार में आज भारी बारिश के अनुसार बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। 26 से 28 जुलाई के में हिमाचल प्रदेश हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं 27 से 28 जुलाई को पंजाब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। वहीं 27 से 28 में हिमाचल और उत्तराखंड में भी आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे बारिश होने के अनुमान के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। तो यूपी समेत तमाम राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27-28 में तेज बारिश हो सकती है, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में स्थिति बारिश के चलते काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति पश्चिमी महाराष्ट्र में पैदा हो गई है। वहीं अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत है। टोक्यो ओलंपिक का पांचवा दिन भारत के लिए शुरुआत निशानेबाजी से हुई। 10 मीटर एयर पिस्टल की क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की ओर से सौरभ चौधरी, मनु भास्कर और अभिषेक वर्मा, यशस्विनी देसवाल की जोड़ी उतरी थी। पहले राउंड में टॉप पर रहने वाली मनु सौरभ की जोड़ी दूसरे राउंड में बाहर हुई। वहीं अभिषेक और यशस्विनी पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। अभी इंडिया और स्पेन के बीच हॉकी का मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं इंडिया और स्पेन के बीच हॉकी के मुकाबले में इंडिया ने बढ़त हासिल करते हुए 3-0 से शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।